हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आर के राजपूत बुक को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने उसी क्रम में ऑलरेडी चैप्टर 2 और 3 अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। अब चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में आपके टोटल 101 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार जो आपके बाकी बचे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, तो इस क्वेश्चन बताना है जो टेस्ला होता है वो किसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट हो जाएगा, टेस्ला यूनिट होता है फ्लक्स डेंसिटी का। अब चलिए इस प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसकी और क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं या होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं जो आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है वो किसी मैग्नेटिक सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं। यहाँ पर जो आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है उसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। बी बराबर होता है आपका फ्लक्स अपॉन एरिया, ये है आपका जिसको हम लोग फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, जो एरिया है उसको ए से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी यूनिट निकल के आती है वेबर पर मीटर का स्क्वायर, या तो हम लोग इसी में देखा था जो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, इसी में आपका एक रिलेशनशिप बन के निकलता है, आपका रिलेशन निकलता है। तो देखिए एक टेस्ला बराबर होता है 10^4 गास होता है, ये रिलेशनशिप वगैरह भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखिए जिस प्रकार आपका मैग्नेटिक सर्किट में जो आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है उसी प्रकार आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डेंसिटी होता है, इसको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जे बराबर जो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जे से, स्मॉल जे से, ये हो जाएगा आपका करंट अपॉन एरिया हो जाएगा। यहाँ से आपकी यूनिट निकल के आती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक सर्किट की बात, ये हो गया उसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या देख सकते हैं। तो इतने यूनिट्स हैं जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी की बन सकती है। अब इसी में हम लोग देखते हैं और जो आपके जो चारों ऑप्शन हैं, जैसे आपका फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, इंडक्टेंस हो गया, फ्लक्स हो गया, इनकी यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फील्ड स्ट्रेंथ की, फिर हम लोग बात करेंगे इंडक्टेंस और फ्लक्स की। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपका पहले पे यहाँ पर निकल करता है, हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेट आपका चैप्टर है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट निकल के आती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1/4 पाई, ये हो जाएगा म्यू हो जाएगा, m/d का स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट आपकी निकल के आती है न्यूटन पर वेबर, या हम लोग इसी को डिनोट कर सकते हैं और स्टेड। दूसरी यूनिट क्या निकल के आती है, यस बराबर होता है आपका ni/l, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर टर्न पर मीटर। ये दोनों यूनिट हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं अगला आपका इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, हेनरी हो जाएगी। अब बचा है आपका लास्ट वाला जो है फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वेबर, या हो जाएगी इसको मैक्सवेल। यहाँ पे देखिए ये भी लेसन इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, 1 वेबर = 10^8 मैक्सवेल। तो ये हो गया सारी चीज़ें, चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसकी क्या क्या यूनिट होती है। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इन सब जो यूनिट वगैरह हैं इनसे हर बार एग्ज़ाम में आपके कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से आपके 70 या 80 क्वेश्चन लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और हमेशा यूनिट से संबंधित और ये मैग्नेट से संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को और जो आपका यूनिट वगैरह है उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसको मतलब याद करके चलिएगा। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ए परमिएबल सब्सटेंस इज़ 1, एक परमिएबल सब्सटेंस जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो देखिए जो आपका एक परमिएबल सब्सटेंस होता है उसमें से जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, आसानी से पास हो जानी चाहिए। अर्थात उसमें जितनी आसानी से जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो जितनी आसानी से पास होगी वो उतना ही अच्छा परमिएबल सब्सटेंस होगा। जिस प्रकार आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस,
कंडक्टेंस का मान जितना हाई होगा उतनी आसानी से उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। उसी प्रकार अगर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बात करते हैं तो आपका जिस पदार्थ में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जितनी आसानी से पास हो जाएंगी वो उतना अच्छा ही परमिएबल सब्सटेंस होगा। अब देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं तो जो आपका एक ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, जो मतलब उसकी कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अर्थात कहने का यही तात्पर्य है कि उसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, आसानी से पास हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द मटेरियल्स हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल फॉर मेकिंग। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि वह पदार्थ जिनकी रिटेंटिविटी लो होती है वह क्या बनाने के लिए सुटेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टेम्प्रोरी मैग्नेट। अर्थात जिन पदार्थ का जो रिटेंटिविटी का मान है वो क्या होता है, कम होता है, वो सुटेबल होते हैं टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाने के लिए। अब चलिए इसमें जो आपका एक टर्म निकल के आया है रिटेंटिविटी, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपके दो जो टर्म हैं टेम्प्रोरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इन दोनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इनके एग्जांपल्स के बारे में जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिटेंटिविटी आपका क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका टर्म निकल के आया है रिटेंटिविटी, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म रिमेंस इन ए मटेरियल आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी मटेरियल में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो उसमें जो आपका मैग्नेटिज्म जो बचा रह जाता है वही आपका जो क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी आपका रिटेंटिविटी कहलाता है। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो जो उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बचा रहेगा वही आपका कहलाता है रिटेंटिविटी। तो ये बात हो गई रिटेंटिविटी की। अब इसी संबंधित एक टर्म और है जिसको हम लोग कहते हैं कोरोसिविटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोरोसिविटी की बात करते हैं तो होता है आपका द अमाउंट ऑफ फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी का जस्ट उल्टा है, रिटेंटिविटी का जस्ट उल्टा है। इसमें कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो ज़रूरी होता है किसी भी जो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो कहलाता है आपका कोरोसिविटी। अर्थात जो आपका मैग्नेटिज्म जो बच गया है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच गया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आपको फील्ड चाहिए वो कहलाता है आपका कोरोसिविटी कहलाता है। तो ये दो टर्म हो गए, ये दोनों इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपका मैग्नेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका मैग्नेट बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, दूसरा क्या होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये क्या है हॉर्सशू मैग्नेट है, और दूसरा क्या है मैग्नेटाइट है, ये क्या आपका नेचुरल मैग्नेट है। ठीक, इसी में आपको क्या आता है लोड स्टोन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट, दूसरा क्या हो गया नेचुरल मैग्नेट। तो इसके आपके दो पार्ट थे। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में, जिसमें से आपका निकल के आता है टेम्प्रोरी मैग्नेट, दूसरा क्या निकल के आता है परमानेंट मैग्नेट। अब हम लोग देखिए इसमें बात करते हैं सबसे पहले टेम्प्रोरी मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है इसकी जो आपकी रिटेंटिविटी होती है वो क्या होती है आपकी लो होती है, यही आपके प्रश्न में पूछा भी था। दूसरा टर्म क्या निकल के आता है इसकी कोरोसिविटी क्या होती है लो होती है। तीसरा क्या है हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है हाई होती है, और इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है हाई होती है। अब इसी में देखिए जो आपका हिस्टेरेसिस लूप होता है वो क्या होता है नैरो होता है। आपका हिस्टेरेसिस लूप जितना नैरो होगा पतला होगा उसमें जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो क्या होगा कम से कम होगा। जैसे देखिए जो आपका कर्व होता है ये जो आपका बीएस कर्व होता है जिसमें हम लोग हिस्टेरेसिस लूप बनाते हैं ये वाला, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो आपका जितना पतला होगा उतना ही आपका
स्टेरेसिस लूप क्या होगा, कम होगा, ये हो गया बी, ये हो गया एच, इसी को हम लोग बी एच कर्व भी कहते हैं। तो ये हो गया टेम्पोरी मैग्नेट। अब दूसरा देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो आपका सिलिकॉन स्टील, दूसरा क्या है कार्बन स्टील, ये क्या है कास्ट आयरन, निकिल स्टील, म्यू मेटल, परमेलॉय ई टी सी, तो ये सब क्या है टेम्पोरी मैग्नेट है। तो ट्रांसफार्मर में आपने देखना हो, देखा भी होगा, हम लोग बेसिकली सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। वो क्या है आपका एक प्रकार का क्या है, उसमें हम लोग टेम्पोरी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यूज इन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, मोटर, जनरेटर, इन सब जगह हम लोग टेम्पोरी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट में देखते हैं इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसका क्रोसिविटी क्या होता है, वो भी क्या होता है, हाई होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। अब चौथा क्या, हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, बल्की होता है, मीन्स क्या होता है, लार्ज एरिया होता है, अर्थात ये क्या होता है रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। जो ये यही इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये क्या होता है लार्ज होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। जितना आपका ये इस लूप का मान अधिक होगा, उसमें उतना ही हिस्टेरेसिस लॉस अधिक होंगे। तो परमानेंट मैग्नेट में आपका क्या होता है, लार्ज एरिया होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका कोबाल्ट स्टील आता है, एल्निको आता है, क्रोमियम स्टील आता है, टंगस्टन स्टील आता है। तो देखिए इसके जो एग्जांपल वगैरह हैं और कहाँ यूज होता है, ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है। हाँ, तो अब देखिए इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए जो आपका लाउड स्पीकर होता है, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी मीटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंपास जो होता है आपका, छोटे मोटे जो आपके खिलौने होते हैं, हेडफोन्स वगैरह जो यूज करते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट का। तो देखिए आपके अगर जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्पल और यूज वाले में, और दूसरी क्या है इसकी प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला वाला प्रश्न। ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड, तो आपका जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके अराउंड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मूविंग चार्ज के अराउंड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, जो आपका मूविंग चार्ज होता है उसके अराउंड आपके मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं अगर स्टेशनरी चार्ज, तो स्टेशनरी चार्ज के अराउंड सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर बात करेगा मूविंग चार्ज, तो उसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या था, राइट है। ए मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट, एक मैग्नेट जो होता है वो किसको अट्रैक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो आपके मटेरियल्स होते हैं, तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो आपका एक मैग्नेट होता है वो बेसिकली जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। अब आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होते हैं आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर यहीं से आपको आपके क्वेश्चन का जवाब ही मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित कई सारे प्रश्न भी आगे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे समझ लेते हैं ताकि आगे के प्रश्न लगाने में हमको कठिनाई ना हो, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए यह पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, अर्थात अगर हम लोग चुंबक के समीप ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, अर्थात वो रिपल्सन को महसूस करेगा, अनुभव करेगा। तो ये होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा इसी में आता है पॉइंट, यह चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात जो आपका फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में
मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टीज़, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग रखेंगे तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होंगे। अगर हम लोग चुंबक के समीप ले जाएंगे तो थोड़ा सा रिपल्सन अनुभव करेगा, अर्थात प्रतिकर्षण होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, लो होती है और क्या होती है, निगेटिव होती है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, जो आपका ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, दे देगा ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव जीरो। तो इसका क्या होता है, निगेटिव होता है, बाकी जो आपके आगे दो मिलेंगे उनका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो उनका रिलेटिव परमियबिलिटी होता है वो क्या होता है, लेस देन वन होता है, अर्थात एक से कम होता है। आगे देखेंगे उन दोनों का एक से अधिक होता है। अब इसमें देखिए जो इसके सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे आपका पहला इम्पोर्ट क्या है, कॉपर है, उसके बाद बिस्मत है, जिंक है, आपका एजी हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद हो गया एयू हो गया, आपका सोना हो गया, एचजी हो गया, आपका मरकरी हो गया, पीबी लेड हो गया, एनएसीएल नमक हो गया, वाटर हो गया, पानी हो गया, आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डायमंड। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल भी आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप एग्जांपल को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। यहाँ पे देखिए जितने पॉइंट्स लिखे हैं हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग देखते हैं तो यह पदार्थ किसी मैग्नेट के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन अनुभव करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली रूप से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं, अर्थात हल्का सा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें देखिए जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, लो है और क्या है, पॉजिटिव है। वहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव देखा था, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिलेटिव परमियबिलिटी क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन वन, अर्थात एक से थोड़ा अधिक है, 1 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपका एल्युमिनियम हो गया, Na हो गया, सोडियम हो गया, Pt हो गया, Mn हो गया, मैग्नीज हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या है आपका लिक्विड रूप में, और ये क्या है आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, और आपका क्या हो गया, टाइटेनियम हो गया। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के बाद कॉमा नहीं रहेगा, अर्थात जो आपका ऑक्सीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिक्विड के रूप में होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल हैं, ये भी आपके एग्जांपल जो आपके एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब भी आपके पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा आपका क्या है, पैरा मैग्नेटिक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, यह पदार्थ किसी मैग्नेट के समीप लाए जाने पर तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, अर्थात बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेता है। जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं अगर हम उनको चुंबक के समीप ले जाएंगे तो बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, चुंबक उसको अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। अगर इनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब भी क्या होगा, प्रबल रूप से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है और क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि इसमें क्या था आपका, लो था, पॉजिटिव था लेकिन लो था, और इसमें क्या था, लो था और निगेटिव था, ठीक, और इसमें क्या आपका हाई है और क्या पॉजिटिव है। अब चौथा पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमियबिलिटी इज़ मच ग्रेटर देन वन, जो इसका रिलेटिव परमियबिलिटी का मान है क्या है, एक से बहुत अधिक है, जबकि इसमें क्या था, एक के स्लाइटली ग्रेटर देन वन था, और इसमें क्या था, एक से कम था, और इसमें क्या है, एक से बहुत अधिक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आयरन, निकिल और क्या है, कोबाल्ट है। बेसिकली यही 3 एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया कि 3 तरीके मटेरियल्स क्या थे। अब यहीं से आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए ए मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट, तो मैंने बताया था जो आपका मैग्नेट होता है, जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने बात किया था वो जो आपका कॉपर होता है, इसी ये क्या है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कॉपर ये दिया है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये था आपका 5वां प्रश्न।
और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बात और करना चाहूँगा, तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कोशिश की जाती है प्रोवाइड करने के लिए। तो इसीलिए एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग इन वीडियोस को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जुड़े हैं उनके साथ शेयर अवश्य करिए। किस लिए? यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग को मोटिवेट करते हैं। आप सबके जो पॉजिटिव फीडबैक आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, वही हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करें। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम एंड प्लेटिनम आर मटेरियल्स। तो देखिए ये एग्जांपल से ही क्वेश्चन है। अभी जो हम लोगों ने देखा था जो आपके एल्युमिनियम और प्लेटिनम थे, तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं जो आपका एल्युमिनियम है और जो आपका प्लेटिनम है, ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम एंड प्लेटिनम आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फेराइट्स आर मटेरियल्स। तो जो आपके फेराइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए जो आपका फेराइट्स होता है वो एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, अर्थात उसी का एक पार्ट है। और इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, इसलिए इसमें जो एडी करंट लॉस होता है वो बहुत कम होता है। और जो आपके फेराइट्स मटेरियल हैं उनको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फेराइट्स आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एयर गैप हैज़ रिलक्टेंस एज कम्पेयर टू आयरन और स्टील पाथ। तो यहाँ पे यही बताना है जो आपका एयर गैप होता है उसका जो रिलक्टेंस का मान होता है वो आयरन या स्टील पाथ की अपेक्षा अधिक होता है कि कम होता है। तो देखिए जो आपका एयर गैप होता है उसका रिलक्टेंस का मान आयरन या स्टील पाथ की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी बुक में थोड़ा मिस्टेक भी है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट किया है जो कि क्या है, गलत है। तो अब आइए थोड़ा हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि रिलक्टेंस क्या होता है, उस प्रकार आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार जो एयर गैप होता है उसका रिलक्टेंस का मान अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे रिलक्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल बाई वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन इट। तो देखिए जिस प्रकार आपका किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसी प्रकार जो आपका एक मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें जो आपका रिलक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप होने का अपोज करता है, अर्थात उसमें एक अपोजिशन क्रिएट करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि रिलक्टेंस का मान आपका जितना अधिक होगा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करने के लिए उतना ही अधिक अधिक MF चाहिए। तो आपने देखा भी होगा आपका जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक एयर गैप होता है, इसलिए उसमें सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करने के लिए हमको अधिक मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता होती है। इसलिए उसमें आपका एयर गैप अधिक होता है जिसके कारण उसका रिलक्टेंस का मान अधिक हो जाता है। अब देखिए हम लोग अब उसी प्रकार जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाएंगे तो आपका फेज एंगल बढ़ जाता था और आपका पावर फैक्टर पुअर हो जाता था। तो ये होता था आपका किसके कारण, रिलक्टेंस के कारण। तो यही एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप होने का अपोज करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आइए थोड़ा इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे जो आपका इसका देखिए जो इसका यूनिट है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो रिलक्टेंस होता है उसको हम लोग यस से डिनोट करते हैं। अब रिलक्टेंस बराबर होता है आपका यल अपॉन म्यू ए होता है। तो देखिए अब ये यल आपका क्या है, लेंथ है, और ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और म्यू नॉट है देखिए आपका एब्सोल्यूट परमिबिलिटी होता है, और म्यू आर होता है आपका रिलेटिव परमिबिलिटी होता है। तो यहीं पे जो आपका म्यू है उसी को हम लोग ब्रेक करके म्यू नॉट और म्यू आर कर दिए हैं। अब ये चीज़ें निकल के आई है। अब देखिए दूसरा क्या है, रिलक्टेंस होता है आपका एक फार्मूला होता है, रिलक्टेंस बराबर होता है MMF अपॉन फ्लक्स होता है, और MF बराबर होता है NI, और ये हो जाएगा NI से NI अपॉन ये हो जाएगा फाई, जिसे हम लोग फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। यहीं से आपकी एक यूनिट निकल के आती है, देखिए ये हो जाएगा आपका एम्पियर टर्न पर वेबर। जो N है NI है वहाँ से हो गया एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर।
अब एक यूनिट इसकी और निकल के आती है, वो कहाँ से आती है देखिए, इसका होता है 1/हेनरी। ये होता क्या है देखिए, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ हेनरी। अब देखिए जो रिलक्टेंस की यूनिट होती है वो रेसिप्रोकल होती है हेनरी की। अब देखिए हेनरी किसकी यूनिट है, वो है आपकी परमियंस की है, तो इसी का हम लोग अपोजिट कर दिए हैं हेनरी का, तो यहाँ से आ गया था आपका 1/हेनरी। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं, रिलक्टेंस की यूनिट एक हो गई आपकी एम्पियर टन पर वेबर हो गया, एक हो गया 1/हेनरी। अब अगर पूछ लेता है कि आपका रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो होता है आपका परमियंस होता है, ठीक, ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर। अब अगर हम लोग परमियंस की यूनिट देखते हैं, तो एक हो जाता है आपका जो रिलक्टेंस का यूनिट आया था इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न हो जाएगा, दूसरा क्या था हेनरी था। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अगले वाले प्रश्न की ओर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पीकर में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है आपका एक मैग्नेट है, तो ये आपका क्या है साउथ पोल है, और ये क्या है आपका एक नॉर्थ पोल है। तो अगर हम लोग इसमें देखिए आपके बेसिकली दो कंडीशन बनते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेट के बाहरी तरफ अर्थात एक्सटर्नली, तो ये आपका डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ पोल से ले होकर ये किधर जाता है आपका साउथ पोल की तरफ जाता है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल की तरफ, तो ये हो गया एक्सटर्नल। अगर हम लोग इंटरनली देखते हैं तो ये होता है आपका साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग बेसिकली इसको लेंगे जो आपका एक्सटर्नल है मैग्नेट के बाहरी तरफ, बाहर की तरफ चारों तरफ, तो वहाँ पर देखिए जो आपका डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल की तरफ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है, ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आपके बुक में जो राइट आंसर माना है वो किसको माना है, बी को माना है। अब देखिए वैसे देखा जाए तो दोनों आपका क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग इसी को चूज़ करेंगे अर्थात बी को ही राइट मानेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये देखिए आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है तो वो भी आपका क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ठीक। द टू कंडक्टर्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कैरी इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स ऑन ईच कंडक्टर इज, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि आपके दो कंडक्टर हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो कि इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग को फोर्स का मान बताना है कि जो आपके दोनों कंडक्टर हैं उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा कि डिस्टेंस के होगा कि उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पर देखिए दो कंडक्टर्स हैं पी और क्यू हैं, और जिनकी जो लंबाई है वो क्या है एल है, इनकी लंबाई क्या है एल है, और इन दोनों के बीच जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है स्मॉल डी है। और देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही है पी में फ्लो हो रही है आई वन और क्यू में फ्लो हो रही है आई टू। तो देखिए यहाँ पर देखिए फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, तो होता है आपका एक एम्पियर्स लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों के बीच फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा यह बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई वन इंटू आई टू इंटू एल अपॉन टू पाई डी, अर्थात जो इनमें फोर्स लगेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, और जो उनकी लंबाई है उसके प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो रिलेशन निकल के आता है कि जो फोर्स लग रहा है वो करंट के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों क्या है इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इक्वल कैरी करंट कर रहे हैं तो मतलब आपका आई वन और आई टू क्या है बराबर है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या निकल के आता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन का स्क्वायर, क्योंकि दोनों करंट क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं। ओके अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए मटेरियल विच इज़ स्लाइटली रिपेल्ड बाई ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन एज। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मटेरियल है जो कि स्लाइटली रिपेल्ड बाई ए मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात किसी भी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रतिकर्षण अनुभव कर रहा है, अर्थात उसमें रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा मटेरियल होगा। तो हम लोगों ने अभी पीछे देखा भी था जो आपके डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसमें कहते हैं रिपल्सन महसूस होता है, अनुभव होता है, अर्थात वो क्या होते हैं स्लाइटली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। When an iron piece is placed in a magnetic field, तो देखिए जब हम लोग किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई आयरन पीस अगर रख देते हैं, तो मान लीजिए क्या है आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें हम लोग कोई आयरन पीस रख देते हैं, तो जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो आयरन पीस से गुजरने के लिए अपने समान रास्तों से दूर की तरफ क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ इन ऑर्डर टू पास थ्रू द पीस, अर्थात उस आयरन पीस से पास होने के लिए अपने समान रास्तों से दूर की ओर क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज़ यूज टू फाइंड। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो क्या फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग अच्छे समझते हैं। तो देखिए जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो होता है, देखिए जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर यदि कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि इसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उसमें किस दिशा में आपका फोर्स लगेगा, बल लगेगा, अर्थात किस डायरेक्शन में, तो उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए और क्या चीज़ें हैं। इट स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड द थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम लोग जो आपका थंब है, फोर फिंगर है और जो आपका मिडिल फिंगर है, उन तीनों को हम लोग एक दूसरे के कर दें परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दें, तो उसमें जो आपका फोर फिंगर है वो बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को और जो आपका मिडिल फिंगर है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को और इसी प्रकार जो आपका थंब होगा वो प्रदर्शित करेगा फोर्स को। तो देखिए ये प्रदर्शित कर रहा है आपका जो अंगूठा है फोर्स को और जो है आपका जो फोर फिंगर है वो बता रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका ये है मिडिल फिंगर है वो बता रहा है कि आपको करंट की दिशा को बता रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसे संबंधित हम लोग देखिए देख लेते हैं आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में देख सकते हैं देख लेते हैं। देखिए इसमें भी देखिए वही कंडीशन है, यदि हम लोग जो आपका अंगूठा है और ये अंगूठा फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है एक दूसरे को क्या कर दें परपेंडिकुलर कर दें, तो जो आपका अंगूठा है वो बताता है आपका मोशन ऑफ कंडक्टर और जो आपका फोर फिंगर है वो बताता है क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, इसी प्रकार जो आपका ये है आपका मिडिल फिंगर वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग कहते हैं आपका राइट हैंड रूल, ये क्या हो गया आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी में आइए कुछ हम लोग बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और ये क्या आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो देखिए दिस रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो जिसकी हम लोग यही आपका क्वेश्चन भी था, यह रूल क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है, दिस रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका राइट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग्स का
वो होता है यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वही चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा कुछ बताया है। सेंटर फिंगर या हम लोग उसी को मिडिल फिंगर कहते हैं, वो सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रिक करंट को। और इसमें देखिए, जो आपका सेंटर फिंगर या जो आपका मिडिल फिंगर है वो सिग्निफाइज करता है इंड्यूस्ड और जनरेटेड करंट विद इन द कंडक्टर। अंगूठा बताता है आपका मैग्नेटिक फोर्स को, और यहाँ पे क्या बताता है अंगूठा, आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। इसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है इसको हम लोग जनरेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा आपके लिए, और ये पूछा भी जाता है। तो ये थे इन दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस, और इन दोनों के रूल के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो आपका रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है एच है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो देखिए इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, जिसे हम लोग XM या K से डिनोट करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी पर मीटर होती है। और देखिए यहाँ पे देखिए, जो आपका ये टर्म निकल के आया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब इसका अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ये रेशियो होता है आपका पोल स्ट्रेंथ M, और जो आपका एरिया होता है A, इनका जो रेशियो होता है वो कराता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको करा दिया। और देखिए जो इसका यूनिट है ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसका यूनिट हो जाएगा, पहला यूनिट निकल गया था वेबर पर मीटर का स्क्वायर, दूसरा आता है आपका एम्पियर पर मीटर। ये देखिए ये मैंने इसलिए लिया है कि देखिए ये आपका SSC JEE में एक बार पूछ भी चुका है, और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इन दोनों का रेशियो जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहीं पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देख सकते हैं, जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है XM और जो आपका रिलेटिव परमिबिलिटी होता है म्यू आर, उनके बीच एक रिलेशन होता है, वो होता है आपका म्यू आर माइनस वन होता है। तो ये रिलेशन भी एक बार SSC JEE में आपके पहुंच चुका है कि जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है और आपका जो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है उनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी एक बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ओके, मैग्नेटाइजिंग स्टील इज़ नॉर्मल्स डिफिकल्ट विकास। तो यहाँ पे कह रहा है जो आपका एक स्टील होता है उसको चुंबकित करना सामान्य पदार्थों की अपेक्षा कठिन होता है। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जो बेसिकली आपका एक स्टील होता है उसका देखिए जो रिटेंटिविटी का मान होता है वो सॉफ्ट आयरन की अपेक्षा कम होता है। इसी प्रकार जो आपका इसका परमिएबिलिटी होगा वो भी सॉफ्ट आयरन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जबकि इसका जो क्रोसिविटी का मान होता है वो उसकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो बेसिकली यही कुछ रीज़न है जिसके कारण जो आपका स्टील होता है उसको अन्य पदार्थों की अपेक्षा इसको चुंबकित करना क्या होता है, कठिन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ लो परमिएबिलिटी। द लेफ्ट हैंड रूल कोरिलेट्स टू। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है वो किससे संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पीछे अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है वो यदि हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते थे तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था उसको कहते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था जो कंडक्टर पर लगेगा वो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर, अर्थात जो कंडक्टर है उस पर किस दिशा में फोर्स लगेगा उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते थे। और बाकी ऑप्शन पर नज़र डालिए तो इसमें देखिए जो आपका इंड्यूस्ड EMF आ गया, यहाँ से ये गलत हो गया। किस लिए इंड्यूस्ड EMF की बात हम लोग राइट हैंड रूल में करते थे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन कैसे गलत हो गया, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तीसरा क्या है, गलत क्या है इसमें, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दिया है जिसकी वजह से ये गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी इज, तो यहाँ पे बताना है कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है।
तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, ये क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने अभी इसके पिछले चैप्टर में देखा था, जैसे आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता था उसका कोई यूनिट नहीं होता था, इसी प्रकार चाहे आपसे रिलेटिव परमिबिलिटी पूछे चाहे आपसे पूछे रिलेटिव परमिटिविटी पूछे, दोनों की यूनिट नहीं होती, अर्थात वो क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैज़ करंट आई पासिंग थ्रू इट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर विल बी। तो यहाँ कह रहा है एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई क्या है एल है, उसमें और जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है आई करंट फ्लो हो रही है। यदि हम लोग उसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका मान क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए क्या है आपके मैग्नेटिक कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इसी में हम लोग किसी भी जो कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं प्लेस कर देते हैं इसके पैरेलल में जस्ट। तो देखिए जो आपका अगर हम लोग इसके पैरेलल में अगर हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं तो देखिए जो आपका एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है आपका क्या होता है आई बी एल साइन थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग पैरेलल में प्लेस कर देते हैं तो आपका जो थीटा का मान है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जब आपका थीटा का मान जीरो हो जाएगा तो आपका जो साइन थीटा ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यदि अगर हम लोग इसके पैरेलल में अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई कंडक्टर होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए यहाँ पे बताना है आपके दो जो आपके लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर हैं उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था यह बराबर होता है आपका म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी। यहाँ से हम लोगों ने देखा था जो आपका जो फोर्स लग रहा था वो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस था, अर्थात जो आपके दोनों कंडक्टर हैं इन दोनों के बीच जो आपका डिस्टेंस था स्मॉल डी उसके क्या हो रहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था, अर्थात जो फोर्स लग रहा था उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, अर्थात जो उनके बीच की दूरी थी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, अर्थात जो उनके बीच जो बल लगेगा वो उन दोनों कंडक्टर के बीच जो दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे मटेरियल जिसमें मैग्नेटिज्म का रिवर्सल क्या हो बहुत तेज़ी से हो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे मटेरियल के अंदर जो आपकी परमिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, और जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लो होना चाहिए, तभी उसमें जो क्या होगा जो मैग्नेटिज्म का जो रिवर्सल होगा बहुत तेज़ी से होगा। तो हम लोगों ने देखा था जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है जो कि एक टेम्प्रोरी मैग्नेट की कैटेगरी में आता है, तो जो आपके टेम्प्रोरी मैग्नेट्स होते हैं उसमें जो आपका रिवर्सल होता है मैग्नेटिज्म का वो बहुत तेज़ी से होता है। अर्थात कहने के तात्पर्य है ये देखिए जो आपका एक बी एच जो आपका कर बनता है जो लूप बनता है उसमें देखिए जो आपका ये देखिए एक तरीके से जो आपका देखिए ये पहले देखिए कुछ ऐसा जाता है फिर आपका जो ये रिवर्सल हो रहा है ये देखिए बहुत तेज़ी से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह जो आपके टेम्प्रोरी मैग्नेट होते हैं उनका जो लूप होता है वो बहुत नैरो होता है जिसके कारण उसमें जो मैग्नेटिज्म का जो रिवर्सल होता है बहुत तेज़ी से होता है। देखिए ये जितना तेज़ी से आपका जाएगा उतना ही तेज़ी से ये होगा, जबकि आपके जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें जो आपका मैग्नेटिज्म का रिवर्सल होता है क्या होता है इसके अपेक्षा क्या होता है धीरे होता है। तो ऐसे पदार्थ जिसकी परमिबिलिटी क्या होगी हाई होगी और आपका हिस्टेरेसिस लॉस लो होगा तो उसमें जो आपका मैग्नेटिज्म का जो रिवर्सल होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिज्म को परमानेंटली रिटेन नहीं करता है। तो देखिए जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है ये मैग्नेटिज्म को परमानेंटली रिटेन नहीं करता है। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट आयरन जो होता है वो आपका एक टेम्प्रोरी मैग्नेट की कैटेगरी में आता है। तो हम लोगों ने देखा था जो आपका टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है इसकी रिटेंटिविटी और क्रोसिविटी क्या होती है लो होती है। तो इसी के कारण जो इसका आपका जो मैग्नेटिज्म है वो इसको परमानेंटली रिटेन नहीं करता है, जबकि आपका जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता था
उसकी जो आपकी रिटेंटिविटी और कोरोसिविटी क्या होती थी, हाई होती थी, इसलिए वो आपका जो मैग्नेटिज्म है उसको परमानेंटली क्या करता था, रिटेन कर लेता था। तो अगर हम लोग इसको और सरल भाषा में समझना चाहे तो मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका एक क्या है, आपका सॉफ्ट आयरन है। तो अगर इस पर हम लोग कहते हैं कॉयल को वाउंड करते हैं और उस पर सप्लाई देते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, व्यवहार करेगा, अर्थात ये अब एक तरीके से मैग्नेट बन जाएगा। अब लेकिन जैसे ही हम लोग इस पर सप्लाई हटाते हैं तो ये अपना मैग्नेटिज्म क्या करता है, खो देता है। तो ये क्या करता है, लेकिन जबकि आपका जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, जो आपका स्टील वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सप्लाई हटाने के बाद भी उसमें मैग्नेटिज्म अच्छा खासा बचा रहता है, अर्थात वो परमानेंट मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब देखिए जो आपका ये ग्राफ, ये कहते हैं जो कर्व था, इसमें देखिए जो आपका ओ और ई के बीच जो यही है आपका क्या है, मैग्नेटिज्म है, ठीक, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, अवशेषी चुंबकत्व। तो आपका जो टेम्पोरी मैग्नेट होते हैं उसमें ये क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जबकि आपके जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें आपका ये क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए ये आपका देखिए जो आपका सॉफ्ट आयरन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात वो मैग्नेटिज्म को परमानेंटली रिटेन नहीं करता है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ परमालॉय इज, तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है जो आपका परमालॉय होता है वो मेनली किससे मिलके बना होता है। तो देखिए जो आपका परमालॉय होता है वो बेसिकली आपका निकिल और आयरन से मिलके बना होता है। जो आपका निकिल होता है वो लगभग आपका 80% होता है, जबकि जो आपका आयरन होता है वो लगभग आपका 20% होता है। तो इसमें देखिए जो आपका मेन पार्ट क्या हो जाएगा, आपका निकिल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द यूज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज़ नॉट मेड इन, तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि हम लोग कहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पीछे डिस्कस किया था, जो आपके टाइप्स ऑफ मटेरियल थे तीन तरह के, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और आपके क्या था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, आपका टेम्पोरी मैग्नेट इस्तेमाल करते थे। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हम लोग ट्रांसफार्मर में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि जो आपका एनर्जी मीटर था, लाउड स्पीकर था और आपका जो मैग्नेटोज था वहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव रिलेटिव परमीबिलिटी, तो हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पीछे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो उसका रिलेटिव परमीबिलिटी का मान होता है वो क्या होता है, स्लाइटली मोर देन यूनिटी होता है। हम लोग देखा था जो आपका डायमैग्नेटिक होता है उसका एक से कम होता है, जबकि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थे उनका बहुत अधिक होता था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डिगाजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, तो देखिए जो आपका डिगाजिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है, जो आपके मेटेलिक पार्ट होते हैं उनको डीमैग्नेटाइज करने का एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात डिगाजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग द मेटेलिक पार्ट्स। स्टांसेस विच हैव परमीबिलिटी लेस दैन द परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर नोन एज, तो ऐसे पदार्थ जिनकी परमीबिलिटी क्या होती है, फ्री स्पेस से भी कम होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो आपका फ्री स्पेस होता है उसकी जो परमीबिलिटी होती है वो क्या होता है, एक होता है। अब इनसे भी जिसकी परमीबिलिटी कम होगी वो देखिए कौन से मटेरियल होंगे आपके, जो हम लोगों ने भी देखा था जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनका जो आपका परमीबिलिटी था वो क्या था, एक से भी कम था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टू इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स इन वैक्यूम एंड सेपरेटेड 1 मीटर बिटवीन सेंटर्स, व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द ईच कंडक्टर प्रोड्यूस ऑन ईच अदर ए फोर्स ऑफ, तो देखिए ये सवाल उसी पे आधारित है जो हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया था, आपका जो होता था यह बराबर म्यू नॉट म्यू आर आई वन का स्क्वायर अपॉन 2π d। तो यहाँ पे जो आपका करंट का मान है वो क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हम लोग आई वन आई का स्क्वायर ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर हैं जिनके बीच जो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर है और वो क्या है, वैक्यूम में प्लेस्ड हैं। अब देखिए कह रहा है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर में आपके जो, अर्थात
जो आपके दोनों लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर हैं, दोनों में करंट जो है एक एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब हम लोग को फोर्स का मान बताना है, तो हम लोगों ने जो आपका फार्मूला देखा था वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा आपका, 4π × 10⁻⁷ हो जाएगा, और म्यू आर का मान हो जाएगा आपका 1, और करंट आपका ऑलरेडी 1 एम्पियर दिया है, 1 एम्पियर ये दिया है, तो यहाँ से हम लोग रखेंगे तो 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे आपका 2π d है, 2π हो गया, और आपका 1 मीटर क्या था, डिस्टेंस था दोनों के बीच। तो इन सब को चीज़ को अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे आपको देखिए जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे कह रहा है जो आपका लेफ्ट हैंड रूल में जो आपका फोर फिंगर होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए जो आपका फोर फिंगर होता है वो किसको बताता है, ये देखिए जो आपका फोर फिंगर यही है, ये बताता है आपका मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा एक क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम लोगों ने इसको पीछे देखा भी था, जो आपके आयरन, कोबाल्ट और निकिल जो थे वो क्या थे आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी में आते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फेराइट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ, तो देखिए जो आपके फेराइट्स होते हैं वो किसके सब ग्रुप होते हैं यही बताना है हमको। तो जो आपका फेराइट्स होता है वो सब ग्रुप होता है आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात जो आपके फेराइट्स होंगे वो सब ग्रुप होंगे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के। गिल्बर्ट इज ए यूनिट ऑफ, तो देखिए जो आपका गिल्बर्ट होता है वो यूनिट होता है आपका MMF का। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका MA बराबर होता है आपका NI होता है। अब यहीं से इसकी एक यूनिट और निकल के आती है, वो क्या होती है आपका एम्पियर टर्न हो जाएगा। एक यूनिट हो गई आपकी गिल्बर्ट, दूसरी क्या हो गई एम्पियर टर्न। अब यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, एक गिल्बर्ट बराबर कितना होता है, तो आपका एक गिल्बर्ट बराबर होता है 10/4π होता है एक गिल्बर्ट बराबर। अब चलिए ये हो गई बात किसकी, MF की। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट होती है। EMF की यूनिट क्या हो जाती है आपकी, वोल्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो आपका कंडक्टेंस होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा आपका महो और साइमंस होता है, या तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। वहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1/ohm भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब आपका लास्ट वाला टर्म क्या बनता है, परमिटिविटी। इस टर्म को हम लोग अच्छे से इसके पिछले वाले जो चैप्टर था आपका उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, द वर्किंग ऑफ ए मीटर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मीटर फ्रॉम फंक्शनिंग फ्रॉम द स्टे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कह रहा है जो आपका मीटर होता है उसका वर्किंग बेस्ड होता है ऑन द यूज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अब देखिए जो आपका मीटर होता है उसको हम लोग स्टे मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए जो मीटर है उसको स्टे मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी शील्डिंग करते हैं। और किसकी सहायता से, एक सॉफ्ट आयरन की सहायता से हम लोग उसकी शील्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज़, तो देखिए जो आपका परमेबिलिटी होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो जो आपका रिलेक्टिविटी होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी होता है। अब जैसे आपसे ये पूछ लिया कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है तो आपने बता दिया रिलेक्टिविटी होता है। अब इसी में आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि इसका एनालॉगस क्या होता है, अर्थात जिस प्रकार आपका मैग्नेटिक सर्किट में आपका परमेबिलिटी होता है तो इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका एनालॉगस होता है, अर्थात अगर ये पूछेगा परमेबिलिटी का एनालॉगस क्या होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये क्या पूछ सकता है कि इनकी यूनिट इम्पॉर्टेंट है। अब यूनिट आपका परमेबिलिटी का क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर हो जाएगा। अब देखिए सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है, तो देखिए ये इसकी यूनिट आप सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपका जो परमेबिलिटी होता है उसका यूनिट क्या हो जाता है, हेनरी पर मीटर। इसी प्रकार जो आपका रिलेक्टिविटी होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर पर हेनरी हो जाएगा।
तो इन दोनों की यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम लोग चलिए कंडक्टिविटी का भी जान लेते हैं। उसका क्या होता है, महो पर मीटर या क्या होता है, साइमन पर मीटर होता है, जो इसका एनालॉगस होता है कंडक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसी प्रकार अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो कंडक्टेंस का अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इसका अगर हम लोग कंडक्टेंस का एनालॉगस लेते हैं, अर्थात जिस प्रकार आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होगा, उसी प्रकार आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा। तो कंडक्टेंस की अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका महो, या आपका हो जाएगा साइमन हो जाएगा। अभी हम लोग इसको देख भी चुके हैं। अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी ओम हो जाएगी। और इसी प्रकार अब इसका जो एनालॉगस होगा उसका क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा। उसका यूनिट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा आपका हेनरी हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टर्न। इस टर्म को जो आपका परमियंस है, इसकी भी यूनिट हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं। अब देखिए जो आपका परमिटिविटी होता है, जिस प्रकार आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में परमिटिविटी होता है, उसी प्रकार आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमियबिलिटी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रिलेटिव परमियबिलिटी इज लेस दैन यूनिटी इन केस ऑफ, तो देखिए ये भी उसी टाइप का प्रश्न है जो हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग को बताना है कि ऐसा कहते हैं इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एक से कम होती है। तो हम लोग ने बात किया था जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसकी जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो एक से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन आपका पहला था उसी प्रकार ये भी है। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताना है, वो क्या हो जाएगा, आपका टेस्ला हो जाएगा। बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है, वहाँ पे पूछा था तो टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ, तो हम लोग को बताना था क्या, फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पे पूछ लिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टेस्ला हो जाएगा। इसी प्रकार जो वेबर था वो किसका यूनिट था, वो यूनिट था आपका फ्लक्स का। और देखिए जो ल्यूमन्स होगा वो किसका यूनिट होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होगा। तो ये सब चीज़ें हो गई, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द आयरन आफ्टर एक्साइटिंग फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड इज नोन एज, तो कह रहा है कि किसी भी आयरन में जो आपका चुंबकत्व है वो जो बचा रह जाता है, आफ्टर एक्साइटिंग द फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड, अर्थात जब हम लोग फील्ड एक्साइटेशन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो उसमें चुंबकत्व बचा रह जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो आपका कहलाता है आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। तो आप लोग इस देखिए इस फिगर में देख सकते हैं, जो अभी जो आपका देखिए हम लोग डिस्कस भी किए थे, जो आपका ओ और ई है, यही आपका क्या कहलाता है, अवशेषी चुंबकत्व कहलाता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा फ्लक्स का यूनिट नहीं है। तो देखिए जो आपका मैक्सवेल है और जो आपका वेबर है, ये दोनों क्या हैं, फ्लक्स की यूनिट हैं। इसको हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, जबकि आपका जो टेस्ला था वो किसका यूनिट था, वो था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात जो टेस्ला है उसकी यूनिट फ्लक्स की नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम परमेबिलिटी, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जिसकी परमिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इग्नाइट। इसकी जो परमिबिलिटी होगी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वैसे और सब ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए जो आपका कॉपर है, जिंक है, ये सब वैसे भी आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल कैटेगरी में आते थे, और इनकी जो परमिबिलिटी थी वो क्या थी, एक से कम थी। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इग्नाइट। वन टेस्ला इज इक्वल टू, तो देखिए जो आपका एक टेस्ला है वो किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। और हम लोग इसको पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, जो टेस्ला थी वो किसकी यूनिट थी, आपकी फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। हाउ मच विल बी द फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला यूनिट्स फॉर फ्लक्स ऑफ 45 माइक्रो वेबर थ्रो द 6×10⁻⁴ मीटर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को फ्लक्स डेंसिटी का मान बताना है, और आपको फ्लक्स का मान दिया है 45
माइक्रोवेबर और आपका जो एरिया है वो कितना है 6 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। तो हम लोग सिंपली वही फार्मूला लगाते हैं, बी बराबर होता है आपका 5/a होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका देखिए जो आपका ये मान है कितना हो जाएगा, 45 × 10⁻⁶ हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, अर्थात 0.075 टेस्ला। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखिए हम लोग को इसमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए ये क्या है, आपका सही है, जो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब चलिए हम लोग आगे के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सी और डी पढ़ लेते हैं। तो अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए पॉइंट इन स्पेस एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज वुड एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो जो आपका ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, वही ये क्या है आपका स्टेटमेंट है। तो देखिए आपका ये वाला सी वाला भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब चलिए हम लोग अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूनिट फील्ड इंटेंसिटी इन द एक्सर्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। अर्थात ये कह रहा है कि एक यूनिट फील्ड इंटेंसिटी वही आपका कहलाएगा जब आपका फोर्स का मान क्या हो जाए, एक हो जाए, और इसका मान भी क्या हो जाए, एक है। जब दोनों का मान एक हो जाएगा तो आपका जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, यूनिट इंटेंसिटी कहलाएगा, अर्थात एक यूनिट इंटेंसिटी होगा। तो ये भी आपका क्या है, सही है। हम चलिए बी वाले पर नज़र डालते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एग्जर्टेड अपॉन ए चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहा है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी भी पॉइंट पे, तो न्यूमेरिकली इक्वल होता है फोर्स एग्जर्टेड अपॉन ए चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो देखिए जो आपका ये न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होता है तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। व्हेन ए मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू ए कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जब आपका एक मैग्नेट है वो कॉइल के सापेक्ष मोशन में है, अर्थात गति में है, तब जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है मोशन ऑफ द मैग्नेट, तो आपका जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इन दोनों के बीच जो आपका कॉइल और जो आपका मैग्नेट है, इन दोनों के बीच जो सापेक्ष गति जितनी अधिक होगी उतना ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिक होगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। अब अगला ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, अर्थात जो आपका नंबर ऑफ टर्न है कॉइल में वो जितना अधिक होगा उतना ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बी भी सही है, सी भी सही है। अगला देखते हैं, तो ये क्या है आपका पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो आपका जो मैग्नेट है उसका जो आपका पोल स्ट्रेंथ है वो जितना ही अच्छा होगा, जितना ही हाई होगा उतना ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो आपके ये तीनों ऑप्शन हैं वो क्या है, राइट है। जबकि आपका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है रजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, तो देखिए जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रजिस्टेंस ऑफ द कॉयल उस पर, मतलब जो आपका कॉयल का रजिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वैसे भी जो आपका रेजिस्टेंस टर्म है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है, अर्थात रेजिस्टेंस पे जो आपका कॉइल का रेजिस्टेंस है उस पर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बताना है कि 1 मैक्सवेल किसके बराबर है। तो इसको मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 1 मैक्सवेल किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 मैक्सवेल होता है आपका 10⁻⁸ वेबर के बराबर, जबकि आपके किताब में इसका आंसर गलत दिया है, वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या किया है, राइट किया है, जो कि आपका क्या है, गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने देखा था कई जगह, कई लोगों ने इसको डी भी करवाया है, लेकिन ये क्या है आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। आप कहते हैं गूगल करके भी देखेंगे वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल में जो राइट आंसर है वो वाला क्या है आपका, आंसर नंबर ए है, अर्थात 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर। अगर हम लोग बात करते कि 1 वेबर बराबर क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका 10⁸ मैक्सवेल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है।
सुपर मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है, जो आपके सुपर मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो आपके होते हैं फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इन ए नॉन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन क्या है, सी वाला क्या है, राइट है। व्हेन टू एंड्स ऑफ ए सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर आर जॉइंट टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लोग किसी सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर के एंड्स को किसी बैटरी के टर्मिनल द्वारा जोड़ देते हैं तो उसके सेंटर पे जो आपका फील्ड का मान वो कितना होगा। तो देखिए हम लोग देखिए कुछ इस प्रकार है, देखिए आपका क्या है, एक सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर है तो इसके दोनों टर्मिनलों को हम लोग किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसके जो आपका सेंटर है ठीक, तो इस पर आपका जो फील्ड का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं आपका जो एक बायस और लॉ होता है तो उसके अनुसार जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो हो जाएगा आपका बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो आपका जो ये फील्ड का मान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका करंट पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपका जो द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए इसमें आपका यही डी वाला ऑप्शन राइट होगा, किस लिए, यहाँ पर रेडियस दिया है और सेम अगर देखिए जीरो नहीं होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ईएमएफ नहीं होगा, अगर करंट दिया होता तो वो भी आपका राइट हो जाता। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये रेडियस पे आपका डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर, तो देखिए यहाँ पे बताना है कि जो आपका ससेप्टिबिलिटी होता है किसके लिए पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने देखा था जो आपका ससेप्टिबिलिटी होता था वो आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता था, पॉजिटिव होता था। तो यहाँ पे आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला क्या है, राइट है। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरी 100 एम्पियर करंट इफ़ द कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाई 20 mm द फोर्स पर मीटर लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर विल बी। तो देखिए ये भी आपका जो हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था अभी, जो दो पैरेलल कंडक्टर के बीच जो आपका फोर्स का मान होता था, जो होता था आपका क्या होता था, या बराबर होता था म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी। तो वही फार्मूले पे आपका कहते हैं सवाल लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहले देखिए आपका करंट का मान दिया है, अर्थात जो आपके दोनों पैरेलल जो कंडक्टर्स हैं उसमें आपका जो करंट है वो क्या 100 एम्पियर है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है आपका 20 mm है और करंट कितना दिया है 100 एम्पियर। अब देखिए हमको ज्ञात करना है कि अब फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ, अर्थात हमको यब बाई यल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आपका यब बाई यल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन का आई का स्क्वायर अपॉन टू पाई डी। तो म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा 4π × 10⁻⁷, आई का मान आपका 100 दिया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100 × 100 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, ये 2π d है तो ये हो जाएगा 2π और ये आपका d क्या था 20 mm था तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए आंसर कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए 300 मीटर लॉन्ग कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड इज सिचुएटेड एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.8 टेस्ला द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक 300 mm लॉन्ग कंडक्टर है जो कि 10 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है और जो कि सिचुएटेड है एट राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री के कोण पे टू ए मैग्नेटिक फील्ड हैविंग फ्लक्स डेंसिटी, और जो आपका फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या है 0.8 टेस्ला है। तो हम लोग को फोर्स का मान ज्ञात करना है, कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग बेसिकली एक फार्मूला लगाते हैं सिंपली, यह बराबर होता है आपका बी एल साइन थीटा, आपको बी का मान कितना दिया था 0.8 दिया था और करंट का मान 10 एम्पियर दिया है और आपको लेंथ का मान जो आपका कितना दिया था 300 mm लॉन्ग कंडक्टर था। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और आपका जो थीटा का मान क्या था 90 डिग्री था तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 हो जाएगा
हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2.4 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए 200 टर्न कॉयल हैविंग एन एक्सियल लेंथ ऑफ 30 mm एंड ए रेडियस ऑफ 10 mm इज पाइवोटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.8 टेस्ला। इफ द कॉयल कैरीज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉयल विल बी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक कॉयल है जिसमें देखिए आपके जो टर्न है वो क्या है, 200 टर्न है, अर्थात जो कॉयल है उसमें क्या आपका 200 टर्न है। तो दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, इसका जो एक्सियल लेंथ है वो क्या है आपका 30 mm है और आपका जो रेडियस है वो क्या है 10 mm है। इज पाइवोटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात आपका जो फ्लक्स डेंसिटी का मान है वो कितना दिया आपका 0.8 टेस्ला दिया है और देखिए जो आपका करंट का मान है वो क्या है आपका 0.5 एम्पीयर दिया है। तो हम लोग को टार्क का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो आपका टार्क बराबर होता है एफ इंटू डी। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का मान निकाल लेते हैं, जबकि हमको जो डी का मान है वो क्या है दिया है, डी अर्थात जो आपका रेडियस है 10 mm है तो आपका डायमीटर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स देखते हैं, तो एफ बराबर होता है एन बी आई एल होता है। अब एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, कई सारे टर्न हैं, 200 टर्न है, इसलिए हम लोग एन लिए हैं, नहीं तो हम लोग बी आई एल ले लेते हैं। तो एन का मान क्या दिया है, 200 दिया है और ये आपका बी का मान दिया 0.8, करंट आपको 0.5 दिया है और जो आपका लेंथ है वो क्या था 30 mm था। तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻³। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह जाता है आपको 2.4 न्यूटन आ जाता है। अब हम लोग देखिए टार्क का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी बराबर होता है एफ इंटू डी। एफ का मान पता हो गया आपका 2.4 और डी का मान कितना दिया 20 mm दिया था, तो ये हो जाएगा आपको 20 × 10⁻³। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0.048 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 0.048 न्यूटन मीटर। यह तो आप इसको इस वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बेसिकली ये सिंपल मेथड था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ तथा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और हो सके तो अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।